वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास, चैप्टर नंबर 1 और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उसके एक एक एमसीक्यू बताऊंगा मैं तुम्हें, और वही एमसीक्यू सॉल्व करने, उसी से रिलेटेड सॉल्व करने, तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि ये टॉपिक से एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं। चलो फर्स्ट एक एमसीक्यू लिखो, नोटबुक में कंपलसरी लिखना सभी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अमॉर्फस सॉलिड, फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक का ही एमसीक्यू है। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अमॉर्फस सॉलिड, और टॉपिक कौन सा है, तो ये टॉपिक कवर हो रहा है तुम्हारा टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स। कितने टाइप्स है सॉलिड्स के, दो है, अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 मार्क्स के लिए सीधा सा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं ये टॉपिक से। अगर ये टॉपिक कवर कर रहे हो तुम, तो एमसीक्यू समझना है तो एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस ही क्लियर करना, अगर पूछा गया तो इसी से रिलेटेड होगा। तो चलो फर्स्ट एमसीक्यू में आंसर क्या होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा ही होगा। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए देखो क्या करेंगे हम, जब भी क्वेश्चन पूछे ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो मान लो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं जल्दी में, ओके, जल्दी में बहुत गलती होती है करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। चलो मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट ऑप्शन है मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होगा। सेकंड ऑप्शन है दे आर एन आइसोट्रॉपिक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दे आर एन आइसोट्रॉपिक। थर्ड ऑप्शन कौन सा है, देर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब नो रेगुलर अरेंजमेंट है या नो ऑर्डरली अरेंज, तो अरेंजमेंट ऑर्डरली नहीं होता। एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन कौन सा है, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, चौथा ऑप्शन है रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जब भी हो ना, ध्यान रखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जब भी पूछा गया हो तो जो स्टेटमेंट राइट हो ना उसके सामने तुम्हें ना करेक्ट टिक करोगे। मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, किसके लिए कवर करना है तुम्हें, अमॉर्फस सॉलिड के लिए पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमॉर्फस, तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, यस उसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है, क्लियर है ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मान लो अमॉर्फस कोई सॉलिड है, अगर उसे हम पिघालना स्टार्ट करेंगे, तो एज एग्जाम्पल मान लो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, अब हमें क्या लगेगा कि ये मेल्ट हो जाएगा, नो, और टेम्परेचर करना पड़ेगा, और टेम्परेचर करना पड़ेगा, और वो कंप्लीट मान लो 240 पर मेल्ट हो रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एक कंप्लीट नहीं मिला हमें, रेंज में मिला 200 से लेकर 240 के बीच में, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एक परफेक्ट पॉइंट पर क्लियर नहीं होता, एक रेंज के बीच में होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राइट है, समझना, स्टेटमेंट राइट है मतलब ऑप्शन राइट नहीं है। दूसरा एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, नो, अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, गलत है। एनआइसोट्रॉपिक कौन से होंगे, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होगा, आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होगा, अगर मान लो 1 मार्क्स में पूछ ले तो मैं आइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक, डिफरेंट डायरेक्शन से अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है मान लो, तब भी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होता है, जैसे जैसे एंगल चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे इंसिडेंट लाइट, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, नो ऑर्डरली अरेंजमेंट स्टेटमेंट राइट है ये भी, और स्टेटमेंट ये भी राइट है, सॉलिड का स्टेटमेंट है ये रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं सारे सॉलिड्स, तो आंसर इस तरह फाइन करना इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए, जो स्टेटमेंट राइट है ना उसे टिक करो, और जो गलत है ना उसे इनकरेक्ट करो, तो आंसर तुम्हारा ये होगा, क्लियर है, तो लिख लेना। तो फर्स्ट टॉपिक कौन सा कवर कर रहे हो तुम,
क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोरफस सॉलिड डिफरेंस से रिलेटेड जितने 7 से 8 पॉइंट्स है इसके डिफरेंस के, वो पॉइंट याद करो और उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट बनेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोरफस सॉलिड। तो लिख लेना पहले ये फर्स्ट MCQ और आंसर होगा एमोरफस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होता है। सीधा सा MCQ है फर्स्ट, लिख लिया। चलो सेकंड MCQ आ जाओ, लिखो MCQ नोटबुक में। विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, लिखना नोटबुक में MCQ, विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा जब वीडियो अपलोड होगा। तो क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन सीधा सा पूछा है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा क्रिस्टल होता है जो बढ़िया सा कंडक्टर है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। चार ऑप्शन होंगे, टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड टॉपिक कवर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, आयोनिक, सेकंड मॉलिक्यूलर, थर्ड नंबर मेटालिक एंड फोर्थ नंबर पर कोवेलेंट। चलो आंसर क्या होगा, क्लियर है, आंसर होगा मेटालिक। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक और आएगा, बोलो, एक्सेप्शन में आता है, लेकिन क्लियरली अगर पूछा है क्वेश्चन यहाँ पर कौन से टाइप का, तो मेटालिक में लिखेंगे। मेटालिक किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से। आयोनिक अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इंसुलेटर, और पूछा तुम्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पूछा है यहाँ पर, तो कौन सा सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में ही पूछा है, तो सॉलिड के फॉर्म में तो कौन आएगा, मेटालिक ही आएगा। मेटालिक मतलब कोई भी मेटल का रोड ले लो, और वो बढ़िया सा क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर होता है। आयोनिक नहीं आएगा क्योंकि मान लो NaCl है, और NaCl का अगर क्रिस्टल है तो वो तो बैड कंडक्टर है सॉलिड फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में वो बढ़िया सा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट उसके बाद कोवेलेंट, कोवेलेंट में डायमंड और ये सारे जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, तो एक्सेप्शन केस में लेते हैं उसे हम। तो ये टॉपिक कौन से टॉपिक से कवर हो रहा है, MCQ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने हमें यहाँ पर, चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वेश्चन समझना आप क्या क्या पूछ सकते हैं ये टॉपिक से। हाई मेल्टिंग पॉइंट, चलो कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है चारों में से, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है चारों में से, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। चलो उसके बाद वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, कौन कौन से, पोलर, नॉन पोलर एंड एच बॉन्डेड। उसमें तीनों में भी कौन सा, बोलो, वो तीनों में भी कौन, नॉन पोलर, दूसरा पोलर एंड थर्ड नंबर एच बॉन्डेड। तो ये तीनों में भी मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, नॉन पोलर का है। तो सीधे से MCQ पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो उसमें 4 से 5 बेसिक पॉइंट्स है वो याद रखना है तुम्हें। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यही पूछा जाए। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन जनरली क्या पूछेंगे तुम्हें, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड ज़्यादा पूछते हैं, कंडक्शन से रिलेटेड ज़्यादा पूछते हैं,
एग्जाम्पल पूछते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल किसका है, समझ रहे हो क्वेश्चन? उसमें भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा, डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस। कोवेलेंट सॉलिड है ना, दूसरा नाम क्या है, नेटवर्क सॉलिड। तो उसमें भी डायमंड एंड ग्रेफाइट वाला एमसीक्यू यहाँ से खास करना, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ जो तुम्हें खुद करना है। तो यहाँ से क्या करोगे तुम, एक डायमंड एंड वर्सेस ग्रेफाइट ये वाला डिफरेंस खास याद करना और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करना। इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, सिर्फ एक पैटर्न बताइए टॉपिक से क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बढ़िया सा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टेड है, तो चारों में से आंसर कौन है अपना, मेटालिक है। दूसरे दो तीन एमसीक्यू यही टॉपिक से बता रहा हूँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, कोवेलेंट सॉलिड का, और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, मॉलिक्यूलर और उसमें भी नॉन पोलर। तीसरा एमसीक्यू अगर याद करना है तुम्हें तो एग्जाम्पल्स खास पढ़ोगे, सबके एग्जाम्पल क्लियर होने चाहिए, सबके एग्जाम्पल क्लियर होने चाहिए। दूसरे नंबर पर ये डायमंड एंड ग्रेफाइट से रिलेटेड एमसीक्यू बनता है। तो इतने एमसीक्यू ये टॉपिक को कवर करोगे तुम, लिख लो पहले ये। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर एमसीक्यू। तो ये टॉपिक से बहुत सारे एमसीक्यू बन रहे हैं, डायमंड से रिलेटेड, ग्रेफाइट से रिलेटेड। दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ मैं, खुद सॉल्व करना। वाई द डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, क्यों, रीजन लिखना है। दूसरा, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट, या क्वेश्चन ऐसे पूछे तुम्हें, ग्रेफाइट यूज एज अ लुब्रिकेंट, वाई, तो ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, या ग्रेफाइट एज अ स्लिपरी नेचर, तो ग्रेफाइट का स्लिपरी नेचर क्यों होता है, किसकी वजह से। एज एग्जाम्पल समझो तुम पेंसिल से लिख रहे हो तो एक लेयर निकल गया ना ग्रेफाइट का, तो वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो वो दो लेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। तो ये दोनों एमसीक्यू खुद करना, फिर हाइब्रिडाइजेशन जनरली पता होगा तुम्हें दोनों के बीच में कौन सा होता है, ओके। चलो थर्ड नंबर एमसीक्यू, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल हैज, एमसीक्यू क्या है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल हैज कौन सा डायमेंशन होगा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स के अंदर। पहले तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स कितनी है, टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितनी है, 7। ब्रेवाइस लेटाइस कितने बनते हैं टोटल, 14 बनते हैं, सीधे से दो एमसीक्यू है। 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, उसमें से एक क्रिस्टल सिस्टम पूछिए यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन जो अलग अलग फॉर्म में दिया है वो ध्यान से देखो और आंसर क्या होगा वो बताओ। तो पहले लिख लिए, तो मोनोक्लिनिक के लिए बोलो एज लेंथ क्या आएगी, ए बी एंड सी क्या इक्वल होगी, तो तीनों में से एक भी इक्वल नहीं होती, समझना ये, तीनों में से एक भी इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं क्रिस्टल का, तो कैसा होगा डायग्राम इसका, ए ले लेते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया, क्लियर है डायग्राम। तो यही डायग्राम बन रहा है यहाँ पर, तो सिंपल सा थ्री डायमेंशनल, क्लियर ना। तो ये ए है, बी है, एंड सी है, ए बी सी तीनों की लेंथ इक्वल नहीं है, इट इज अ मोनोक्लिनिक है। दूसरा एंगल देखो आप, एक्सियल एंगल, तो ये और ये एंगल दो तो इक्वल है, लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं है, मतलब इसे मैं अल्फा लिख लेता हूँ, ये बीटा बी वाला और सी वाला गामा, तो अल्फा एंड कौन सा एंगल इक्वल है यहाँ पर, अल्फा एंड गामा कितना होता है ये 90 डिग्री, लेकिन बीटा एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये सीधा से एमसीक्यू है, ये ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें मोनोक्लिनिक के लिए, सीधा से एमसीक्यू है। दूसरे दो एमसीक्यू ऐड करना है यहाँ पर, क्रिस्टल सिस्टम कितनी है, क्रिस्टल सिस्टम तो टोटल 7, और ब्रेवाइस लेटाइस कितने बनते हैं टोटल, 14 बनते हैं। चलो मोनोक्लिनिक के लिए ब्रेवाइस लेटाइस कितने बनेंगे, कौन कौन से, दूसरा एमसीक्यू समझ रहे हो यहाँ से। तो यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम कौन सी होगी, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, क्रिस्टल सिस्टम
तो यहाँ पर एक तो होगी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सब में, और दूसरा कौन सा है एंड सेंटर्ड। तो ये दो क्रिस्टल सिस्टम नहीं ब्रेवाइसलेटाइस, कितने क्रिस्टल, ये क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ब्रेवाइसलेटाइस कितने बन रहे हैं, मोनोक्लिनिक के अंदर तो टू टाइप के ब्रेवाइसलेटाइस बनते हैं, कौन से वो एक दूसरा एक्स्ट्रा एमसीक्यू पूछ रहा हूँ इससे रिलेटेड। ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, लेटाइस सिस्टम कौन सा है जिसमें चार के चार टाइप के ब्रेवाइस है, सीधा से एमसीक्यू, तो वो खुद फाइन करना, ये लिख लो क्वेश्चन, समझ रहे हो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, कौन सा वो क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें और फोर टाइप्स के ब्रेवाइस लेटाइस ऑब्जर्व होते हैं, और उसका डायमेंशन भी याद कर लेना। तो ये टॉपिक से तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, जो सेवन लेटाइस सिस्टम है ना क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम, उनका डायमेंशन क्या बनता है वो, और दूसरे उसके कितने वेरिएशन हो सकते हैं पर्टिकुलर। तो दो एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करवाए मैंने तुम्हें, एक मोनोक्लिनिक और दूसरा तुम्हें खुद करना है, लिख लो पहले ये। चलो एमसीक्यू नंबर फोर, इसका एक और एमसीक्यू दे रहा हूँ मैं तुम्हें, चलो ये टॉपिक का एक और एमसीक्यू अभी जो लास्ट लिखा था वो, कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ऑल एज लेंथ या एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल सिमिलर नहीं है, तो वो खुद एमसीक्यू फाइंड कर लेना। चलो एमसीक्यू नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, लिखो पहले एमसीक्यू। चलो एन आयोनिक कंपाउंड हैज अ यूनिट सेल, लिखो एमसीक्यू। एन आयोनिक कंपाउंड हैज अ यूनिट सेल consisting of A ions. Ionic compound has a unit cell. Ionic compound का unit cell है. Consisting A ions. A ions है यहाँ पर at corner of cube. A ion कहाँ पर है? At corner of cube. At corner. And B ions on center of face. B ion कहाँ पर है? On at center of face. नेक्स्ट लिखो आगे, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स, बोलो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, फाइंड आउट करो। कौन से टॉपिक से कवर किया है? नंबर ऑफ एटम्स, टॉपिक कौन सा है? नंबर ऑफ एटम्स। बोलो आंसर क्या मिला? अब पॉइंट देख लेना क्या है, ए आयंस कहाँ पर है, तो हम क्यूब बना ही लेंगे सबसे पहले, तो जब याद हो जाए एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है उसके बाद जरूरत नहीं है। ओके, कहाँ पर है पार्टिकल्स? एट कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर एट, तो एट कॉर्नर पर एट पार्टिकल्स है, कौन से? ये ए होगा, ए। तो चलो सिंपल सी चीज़ याद रखना, कोई भी क्यूब में जो कॉर्नर पर पार्टिकल्स है उसका कितना पार्ट्स या उसका कितना पार्ट्स कंट्रीब्यूट करेगा क्यूब के अंदर, और बाहर कितना पार्ट्स है, तो टोटल कॉर्नर पर कितने पार्टिकल्स है एट कॉर्नर, लिख रहा हूँ एट कॉर्नर एट पार्टिकल्स है, और एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट्स जितना ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्यूब के अंदर, 1/8 मतलब एक क्यूब है उसका 1/8 जितना पार्ट ये यूनिट सेल के अंदर है, दूसरा नहीं है, समझना।
चलो अब दूसरा क्या पूछा है यहाँ पर एट फेसेस, क्यूब के फेस कितने होते हैं? सिक्स। अब सिक्स फेस पर अगर तुम पार्टिकल्स रखो, ये फेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो आधा पार्ट्स नीचे वाले के ऊपर, आधा पार्ट्स ऊपर वाले के ऊपर होगा, मतलब कितना होगा? 1/2। तो कितने यहाँ पर एट कॉर्नर पर क्या मिला तुम्हें? 1 और यहाँ पर कितना मिला तुम्हें? 3। तो ए एंड बी, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? A1 B3। तो सीधा सा MCQ है ये वाला, भी MCQ पूछा जाता है, सिंपल है। ओके, अगर पेपर सिंपल आया तो ये वाला MCQ पूछ ले तुम्हें। और बॉडी सेंटर पर क्या होगा? एक पूरा पार्टिकल लेंगे। तो टॉपिक कौन सा कवर हो रहा है वो समझने की ट्राई करना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट यूनिट सेल। तो डिफरेंट यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे काउंट करेंगे? कॉर्नर पर 1/8, फेस पर 1/2। अब कई बार क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करते हैं सुनो, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर पार्टिकल्स रख लिया, खुद बनाना ये क्वेश्चन, और उसके 6 में से सिर्फ ओनली 4 फेसेस पर ही पार्टिकल्स रखा हुआ है, तो उस वक्त फॉर्मूला क्या बनेगा? समझ रहे हो ना? तो उस वक्त क्या करेंगे हम, अगर 4 फेसेस पर ही पूछा है तो यहाँ पर 6 नहीं 4 लिखेंगे। तो MCQ कोई भी हो सकता है, सीधा सा MCQ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आसानी से काउंट कर सकते हैं। लिख लो ये MCQ। चलो नेक्स्ट MCQ, कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है। लिखो MCQ। चलो, बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटाइस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, BCC के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? MCQ नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। चलो अगर BCC आ रहा है तो कितना होगा? अगर मान लो सिंपल आ रहा है तो कितना होगा? मैंने यहाँ पर तुम्हें BCC के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और तीसरा FCC आ रहा है या HCP आ रहा है, कितना होगा? सीधा से MCQ है, डायरेक्ट याद रखेंगे, कुछ नहीं करना। 8 सिंपल के लिए, 6 और ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? नेबरिंग एटम्स कितने, और कितने एक एटम आसपास के कितने एटम से अटैच है, भाई उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो सीधा से MCQ यहाँ से पूछ सकते हैं तुम्हें, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। BCC के लिए 8 है, सिंपल के लिए 6 है, और FCC या SCP 12 होगा। हाँ, अगर इसे तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, टाइप्स ऑफ जो सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, और उसके तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, जैसे कि NaCl के अंदर कितने हैं, CF2 के, Ca+2 के आसपास में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो तुम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। अगर एक्स्ट्रा MCQ चाहिए तुम्हें तो टाइप्स ऑफ आयोनिक सॉलिड है, उसी से रिलेटेड AB फॉर्मूला होता है, AB2 फॉर्मूला होता है, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो वो अलग अलग होंगे। तो ये लिख लो, सीधा सा MCQ है ये तो।